नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर टुडे। जिस तरह से मौसम बदल रहा है, ऐसे में कई तरह की बीमारियां निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें बदलते मौसम में, स्पेशली ठंड में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जो नवजात शिशु हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कई तरह की बीमारियाँ होने लगती हैं। तो ऐसे में हमारी टीम पहुँची है डॉक्टर पीके सिंह सर के साथ में, जो नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं। इनसे बात करेंगे और सुल्तानपुर के लोगों को बताएंगे कि उनके जो छोटे बच्चे हैं, या ये कहें कि जो नवजात बच्चे हैं, उनको कैसे इस मौसम में अच्छे से रखें और किस तरह से छोटी छोटी बीमारियों से दूर कर रखें। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारा हमारे इस प्रोग्राम में। आप सुल्तानपुर टुडे के साथ बात कर रहे हैं और हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे जिससे कि सुल्तानपुर के लोगों को, जो छोटे बच्चे हैं, या ये कहें कि ऐसी बीमारियाँ जो छोटे छोटे बच्चे को हो जाती हैं इस बदलते मौसम में या ठंड में, तो इस चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि डॉक्टर साहब, कि आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है इस बच्चों की फील्ड से रिलेटेड या डॉक्टरी फील्ड से रिलेटेड? मैं डॉक्टर प्रवीण सिंह, पीके सिंह, यहाँ इलाहाबाद से मैंने MBBS की डिग्री कंप्लीट करी है। इसके बाद मैं MD पीडियाट्रिक्स किया है लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ से। उसके बाद फिलहाल मैं 2 साल से अलग अलग जगहों पर काम कर रहा था। मैं इसके बाद सीनियर रेजिडेंटशिप भी किया लखनऊ से। उसके बाद से फिर मैं पिछले 1 साल से सुल्तानपुर के लोगों को अपना सेवाएँ दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप जैसा कि मैं सुल्तानपुर की जनता को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो ऐसे में मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, आप किस फील्ड में गोल्ड मेडलिस्ट हैं? मैं MD पीडियाट्रिक्स पीडियाट्रिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं मेरठ से फिलहाल। हाँ, तो डॉक्टर साहब चलते हैं और बात करते हैं कि मेन जो हमारे टॉपिक है कि जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, ऐसे में बदलते मौसम में, जो बदल रहा है मौसम, ठंडी एकदम से बढ़ रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और सुबह शाम ज़्यादा ठंड रहती है, तो ऐसे में एक माँ जो है अपने छोटे बच्चों को किस तरह से सुरक्षित रखे इन इस मौसम के दौरान? जी बिल्कुल, आप क्वेश्चन एकदम सही है। दरअसल बच्चों में क्या होता है, बच्चे हमारी बात मानते नहीं है। नहीं, अपनी तरफ से प्रयास यही होना चाहिए कि उन्हें हम ठंड से बचा कर रखें, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारी, कभी कभी एलर्जिक कफ होता है हमें ठंड से, बच्चों में पेट की दर्द, विंटर डायरिया, ये सब की संभावना रहती है। जी डॉक्टर, तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए, हमें फिलहाल मतलब बचाना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी हमें उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे हमारी बात सुनते नहीं हैं, तो हमें उसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए उनके लिए। डॉक्टर साहब आप सावधानियां की बात कर रहे हैं, तो ऐसे किस तरह की सावधानियां हैं जिन्हें माँ को ध्यान देना चाहिए? अगर मैं बात करूं एक एक दिन के बच्चे से लेके 6 महीने तक के बच्चों को या 1 साल तक के बच्चों का, तो ऐसे में उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन होगा सबसे आपके पहले तो तरफ मैं से? आपको बताना चाहूँ, जैसे नवजात शिशुओं को, जहाँ तक बात है, नवजात शिशु में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी वजह से माँ, स्पेशली माँ बाप दोनों, लेकिन स्पेशली माँ जो है बहुत परेशान होती हैं। कुछ मतलब ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि होती तो मतलब सारे बच्चों को, लेकिन वो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, अपने से वो कुछ टाइम बिंग पीरियड में ठीक हो जाती हैं। उसमें हो गया जैसे कुछ, हम शुरुआत करना चाहें जैसे हम स्नीजिंग हो गया, एक्सेसिव छींक आना होगा, इसके बाद फिर यानिंग हो, अंगड़ाई लेते हैं बच्चे बार बार करके, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं है, लेकिन इसके लिए पेरेंट कंसर्न होते हैं। तो वो न्यू बॉर्न की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, उस कंडीशन में तीसरे चौथे दिन बच्चे में पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते टाइप के पड़ते हैं, तो वो कंडीशन होती है इरिदमा टॉक्सिकम नियोनेटोरम बोलते हैं उसको। तो वो कंडीशन वैसे होती तो मतलब सेल्फ लिमिटिंग है, 1 हफ्ते 10 दिन वो सबसाइड कर जाती है, लेकिन वो पेरेंट्स के लिए कंसर्न का विषय होता है, उसके लिए इधर उधर परेशान होते हैं, वो जाते हैं सर्च करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन, इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी होने की जरूरत नहीं है। एक और कंडीशन होती है, बच्चे के फेस पे कभी कभी स्पॉट्स पड़ते हैं, वो येलो भी हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं, नोज के चारों तरफ जो मीलिया होता है, वो भी सेल्फ लिमिटिंग ही होता किस वजह से होता है डॉक्टर साहब, ये किस है। क्या कारण है इसका? ये मीलिया दरअसल ये होता है, कुछ सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, उनके वो पोर्स ओपन ओपन नहीं होते, ब्लॉकेज की वजह से होता है, तो उसकी वजह से वो हो जाते, समय के साथ धीरे धीरे करके पोर्स ओपन होते हैं, इसके बाद वो सबसाइड कर जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आप इतने दिनों से सुल्तानपुर में बैठ रहे हैं, तो ऐसे किस तरह के ज्यादा केसेस आपके पास आते हैं जो नॉर्मल है, सारे बच्चों को लगभग दिखाई देते हैं, तो उस तरह की बीमारियों से बचने के लिए हमारे दे हमारे हमारे सुल्तानपुर की जनता, या ये कहें कि लोकल जनता क्या ऐसा करें कि जिससे उन सब चीज़ों से बचा जाए, जो एकदम बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें जो आप देख रहे हैं, सब बच्चों में लगभग देखी जा रही हैं? जी, बच्चों में दरअसल कुछ बीमारियाँ सीजनल होती हैं, सीजनल मतलब जैसे गर्मी के समय में कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे वो AGE बोलते हैं, एक्यूट गैस्ट्रेंटाइटिस, उस कंडीशन बच्चे को उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, ऐंठन हो सकती है, ये हो गया कुछ भी मतलब समय के साथ
जैसे इस समय सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में भी मतलब ये कंडीशन होती है, ठंड लगने की वजह से बच्चे को उल्टी दस्त हो सकता है, विंटर डायरिया बोलते हैं। बाकी ठंड की वजह से हम कफिंग होता है बच्चों में, एलर्जिक कफ होता है, तो वो समय के साथ धीरे धीरे करके ठीक होते, 3-4 दिन 5 दिन टाइम लगता है ठीक होते, बहुत ज़्यादा कर। हाँ, इवन अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, फीडिंग बंद कर दिया, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बच्चा अगर बच्चे तो इनोसेंट होते हैं, उन्हें मतलब कि मतलब कोई सामने वाला वो नहीं कर सकता है, मतलब बच्चे अगर सीख हैं तो वो खेलना बंद करेंगे। अगर बच्चा खेलना कम कर रहा, फीडिंग कम कर दिया, इसके बाद साथ में कुछ और वाइटल्स वो होती हैं, पेशाब कम कर रहा है, इसके साथ में सांस की तकलीफ बढ़ रही, बाई चांस बुखार, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, उल्टियां हो रही बार बार, दस्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चा ओरल इंटेक कम है, तो ये सब कंडीशन मतलब जो होती हैं कंसर्न के होते हैं, इसमें हमें तुरंत मतलब डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा यह है कि कई ऐसे केसेस आपने देखे होंगे अपने इस पीरियड, जो आप अपने प्रैक्टिस पीरियड के दौरान सुल्तानपुर में, जो कई क्रिटिकल केसेस हो, या फिर जो है माँ, या फिर ये कहें कि जो बच्चा है वो काफ़ी दिनों से किसी बीमारी से जूझ रहा है और फिर कोई इलाज नहीं कर रहा, और आपके पास आए तो आपने उसको जो है देखा और समझा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये केस था, वो मेरे पेरी फेरी से कहीं से रिफ़र होके गया था लखनऊ को, मुझे वहाँ से काले, मैं उसको देखा, तो उसको मतलब अंधविशेष सब एग्जाम मतलब एग्जामिन करने के बाद मुझे ये लगा कि मतलब बच्चे को मतलब ये बीमारी है, और फिलहाल उसको डायबिटिक कीटोसिडोसिस डायग्नोस हुआ। धीरे धीरे करके उसका मैंने मतलब IV इंसुलिन पे लिया, इसके बाद फिर उसको धीरे धीरे बच्चा इम्प्रूव हुआ। इम्प्रूव हो गया। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब, अगर आपने कई तरह की आपने सावधानियां बताई, किस तरीके से भी घर पे रह के ये तरह से अगर सावधानी बरती जाए तो कहीं ना कहीं बच्चे बीमारी कम होगी या फिर वो स्वस्थ रहेंगे। ऐसे में अगर किसी को प्रॉब्लम्स होती है डॉक्टर साहब, तो वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करें, या फिर आप तक कैसे पहुँचे, आपके क्लिनिक पे कैसे पहुँचे? जी डॉक्टर साहब, जी, अगर किसी को इस मतलब मुझसे मुझसे संपर्क करना है, तो फिलहाल मैं सिरवारा रोड पे, मेरा एक क्लिनिक है डॉक्टर PK सिंह नाम से, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं किसी टाइम पे, और मेरा नंबर भी आप लोगों के पास उपलब्ध हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि टाइमिंग को लेकर क्या है, और डे वाइज की किस दिन आप बैठते हैं, किस दिन ऑफ रहता है, या टाइमिंग क्या है आपके यहाँ पे बैठने की? जी बिल्कुल, अभी तो मैं फिलहाल राउंड द क्लॉक उपलब्ध हूँ, आप किसी टाइम इमरजेंसी सिचुएशन आप किसी टाइम मुझे कर सकते हैं। बाकी मैं मेरी ओपनिंग टाइम 9 से 2 है फिलहाल यहाँ पे, और शाम को 5 से 8 है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। ये बिल्कुल थे डॉक्टर PK सिंह, जिनसे हमारी बात हुई, और आगे फिर हम किसी नए डॉक्टर के साथ में नई बीमारियों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।